हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गुड़गांव के बारे में, जो कि दिल्ली से 35 किलोमीटर दूर है। गुड़गांव को हम गुरुग्राम के नाम से भी जानते हैं। गुड़गांव की पॉपुलेशन के अगर बारे में बात करें तो इसकी पॉपुलेशन 11 लाख है। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मुंबई और चेन्नई के बाद अगर बात करें तो गुड़गांव में ही होता है। बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज़ भी हैं। हमें अगर लेक्स और बर्ड सेंचुरीज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पे सुल्तान पार्क नेशनल पार्क, घाटा लेक, बादशाहपुर लेक और खांडसा लेक जैसे हैं। सुल्तानपुर और बादशाहपुर लेक की खासियत ये है कि यहाँ पे टूरिस्ट काफ़ी आते हैं और सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी रहती है। और अगर सुल्तान लेक की बात करूँ, यानी कि सुल्तान पार्क नेशनल पार्क की बात करूँ, तो यहाँ पे डेली 100 से 200 टूरिस्ट यहाँ पे डेली ही आते हैं। इस पार्क में आपको तरह तरह के जानवर देखने को मिल सकते हैं, जो कि काफ़ी है। मौसम की अगर बात करें तो गुड़गांव में नवंबर से फरवरी तक यहाँ पे सर्दी का मौसम रहता है और मार्च से लेके जुलाई तक यहाँ पे गर्मी का मौसम रहता है। हम बात करें तो यहाँ पे घूमने के लिए किंगडम ऑफ ड्रीम्स, जो कि सेक्टर 44 में है, साइबर हब जो कि पार्टी हब और स्पेशली नाइट क्लब्स के लिए जाना जाता है, एम्बियंस मॉल की अगर बात करें तो इस 6 फ्लोर का सबसे बड़ा मॉल है यहाँ पे, जिसमें 3 पार्किंग फ्लोर है जो कि पार्किंग के लिए बने हुए हैं। और यहाँ पे काफ़ी इंटरनेशनल ब्रांड्स भी हैं जो कि आपको काफ़ी प्रभावित कर सकते हैं ये शॉपिंग मॉल्स। स्पोर्ट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फुटबॉल क्रिकेट खेला जाता है। और अगर बात करें हम मैराथन की, तो यहाँ पे हर साल मैराथन रेस कराई जाती है जिसमें 10,000 से लेके 20,000 तक लोग शामिल हो। इकोनॉमी गुड़गांव की इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि यहाँ पे फॉरेन कंट्रीज़ काफ़ी रेगुलर इन्वेस्ट कर रही हैं। बहुत सारी कंपनी जैसे कि ओयो शटल को फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिला हुआ है। यहाँ पे 1500 से ज़्यादा BPO कंपनीज़ हैं, जो यानी कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनीज़ हैं। और इंटरनेशनल कंपनीज़ की अगर बात करूँ तो पेप्सी, कोकोला, BMW, हुंडई जैसे कंपनीज के ऑफिस भी है। ट्रांसपोर्ट के बारे में अगर बात की जाए तो लोग यहाँ पे ज़्यादातर मेट्रो से या फिर कैब सर्विसेज या फिर अपनी खुद की गाड़ी से ही जाना पसंद करते हैं, और या फिर अपने बाइक से। नाइट लाइफ की अगर हम बात करें तो नाइट लाइफ बिल्कुल ही गुड़गांव की अलग रहती है, यानी कि मुंबई की तरह ही नाइट लाइफ रहती है। यहाँ भी रात नहीं होती। सैटरडे संडे को लगभग सारे ही क्लब्स और पब्स खुले रहते हैं और रात के 2 या 3 बजे तक यहाँ पे पार्टी चलती रहती है। आप भी अपने फैमिलीज के साथ, दोस्तों के साथ, कपल्स के साथ यहाँ पे नाइट लाइफ का पूरा पूरा आनंद ले सकते हैं। यहाँ सबसे अच्छी बात यह होती है कि आप नाइट लाइफ इंजॉय करने के बाद कैब सर्विस से भी घर जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको गुड़गांव की नाइट लाइफ